नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुंदर कोरी त्वचा का सपना हर किसी महिला और पुरुष का होता है। वैसे भी गोरेपन को खूबसूरती का नाम दिया जाता है। आपकी आंखें, गाल, आपके हाथ पांव या आपका शरीर दिखने में सुंदर और आकर्षक हो तो हर कोई उसे देखने के लिए इतराता है। वैसे भी सुंदरता से किसी का भी लुक कातिलाना हो जाता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा गोरी हो जिससे वह हर किसी की नजरों में रहे। वैसे आपने अगर बहुत से क्रीम या बयारू प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने त्वचा पर लगाकर बहुत कुछ कर लिया है फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जरा ठहरिए और अपने घर पर ही अपने हाथों से घरेलू औषधियों का इस्तेमाल अपने काली स्किन को गोरा बनाने के लिए करिए। दोस्तों, घरेलू नुस्खे पुराने जमाने से ही महिलाओं की सुंदरता को चार चांद लगाने में काफी मददगार रहे हैं, तो क्यों ना आप भी बिना किसी ज्यादा पैसा खर्च किए अपनी त्वचा को गोरा, सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। इन घरेलू उपायों की मदद से दूसरा फायदा ये होता है कि ये आपकी त्वचा पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या ये उपाय है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी होगी दोस्तों वो है यहाँ पर एलोवेरा जेल। आपको इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पतंजलि का जेल लिया दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दूंगा। फिर इसके बाद आपको अगली चीज जो लेनी है दोस्तों वो है यहाँ पर नारियल का तेल। आपको इसके अंदर एक चम्मच नारियल का तेल ऐड करना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज जो लेनी होगी वो है यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल। आपको मार्केट में बड़ी आसानी के साथ में विटामिन ई का कैप्सूल मिल जाएगा। आपको एक कैप्सूल लेना है और उसे इस तरीके से निचोड़ कर अपने इस पेस्ट में आपको इस तरीके से निचोड़ देना है। अब आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, एलोवेरा जेल हमने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। ऐसे में एलोवेरा एक एंटी एजिंग इंफ्लेमेटरी के तौर पर काम करता है। एलोवेरा बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो स्किन को सरल तरीके से जमा बनाए रखते हैं। एलोवेरा स्किन को भीतर से मॉइस्चराइज करता है और कई स्किन बीमारी जैसे कील, मुहासे आदि को ठीक करता है। नारियल के तेल की बात करें तो दोस्तों, नारियल के तेल में काफी मात्रा में फैटी एसिड के साथ विटामिन ई पाया जाता है जिसकी वजह से ये चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज होता है। अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए कमाल की चीज है। नारियल का तेल अपने एंटी बैक्टीरियल गुण के लिए जाना जाता है जिसकी वजह की सुंदरता खराब करने वाले एक्ने आपसे दूरी बना के रखते हैं। ये आपके चेहरे के सीबम को भी मेंटेन रखता है। अगर बात करें विटामिन ई कैप्सूल की तो मार्केट में मिलने वाले लगभग हर स्किन केयर प्रोडक्ट में विटामिन ई एक जरूरी सामग्री के तौर पर मौजूद रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्किन को हेल्दी बनाने के साथ साथ स्ट्रेस मार्क्स, पिंपल्स के दाग धब्बे दूर कर ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाती है। इन फायदों के अलावा विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एजिंग की सारी निशानियों को दूर करने में मदद करते हैं जिससे हमारे चेहरे पर एक अलग ही निखार आता है, काफी अच्छा ग्लो आता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आपका पेस्ट बनके तैयार है। दोस्तों, अब इसे जो लगाने का तरीका है वो ये है। आपको जो है रात को सोने से पहले इस पेस्ट को उंगलियों से इस तरीके से लेकर अपने हाथ, पैर और चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगाना है। जिस तरीके से आप अपने चेहरे के ऊपर तेल की मालिश करते हैं ठीक इसी तरीके से आपको इसकी हल्के हाथों से अपने चेहरे और हाथ पैरों के ऊपर मालिश करनी है। और दोस्तों, रात भर के लिए इसे इसी तरीके से लगा हुआ छोड़ देना है। सुबह उठकर आप अपने फेस वॉश से अपने चेहरे को धोकर साफ कर लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके चेहरे पर एक काफी अच्छा निखार आएगा। आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे, काले निशान हैं सारे दूर हो जाएंगे। आपका चेहरा काफी सुंदर और गोरा दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिलहाल जैसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।